फिर गए वो जो 10,000 का कपड़ा मेरे विदाई वाला खरीद के आया था, वो 10,000 के कपड़े पे मिट्टी का तेल गिराना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद वो बोले, मतलब अपने हाथ में लिए और बोले कि अब हम ही नहीं रहेंगे। अरे आप जल रहे हैं, आप जो मन करे वो कीजिए, हम अपना जान छुड़ा के किसी तरह भागे होते, लेकिन हम ये जानते नहीं थे ना। फिर क्या हुआ सर, हम उनके हाथ से छीन लिए, और नहीं वो जा रहे थे ऐसा करने, तो हम छीन लिए, और छीनने के बाद बस ऐसे ही हाथापाई में हो गया। अब इस बारे में ज़्यादा ना पूछे सर, हम एकदम से पूरा मतलब परेशान ही हो जाते हैं। मैं इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हूँ। द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक ऐसी महिला आपको दिख रही है फ्रेम में, जिसके चेहरे और पर्सनालिटी पर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको देखने में लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ इस महिला के साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। उसके पीछे की कहानी बताएंगे और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। नाम है रंजना ओझा और ये गोरखपुर में रहती हैं। विवाह के समय इनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। सीधे मुद्दे की बात करते और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल के माध्यम से। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम और छोटों को दिल से आशीर्वाद। शुक्रिया। स्क्रीन पे दो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, एक शादी से पहले की और एक अभी की। दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो समझ सकते हैं कि एक खूबसूरत पर्सनालिटी आखिर अचानक इस तरह के चेहरे में कैसे तब्दील हो गई। क्या वजह थी कि मतलब एक खूबसूरत लड़की थी कभी आप, उसके बाद से आज इस तरह की कंडीशन हो गई, इसके पीछे की क्या कहानी, शॉर्ट में बताइए थोड़ा। सर अगर जीवन साथी अच्छा मिल गया तो एक 50 साल की महिला भी 35 साल की दिखती है, और अगर जीवन साथी गड़बड़ मिल गया तो एक 25 साल की महिला भी 50 की एज की दिखने लगती है। वही कंडीशन मेरे साथ हुआ सर। लाइफ ने मतलब ऐसे जगह मुझे जा कर के खड़ा कर दिया, ले जा कर के, कि वहाँ से न तो मैं निकल पा रही हूँ। आप देख रहे हैं उन्हीं के नाम का आज तक मेरे मांग में सिंदूर है, हालांकि वो मुझे आज तक नहीं समझे। मेरी शादी को 18 साल हो गए लेकिन वो मुझे समझ नहीं पाए। लेकिन मुझे मेरी बच्चों के लिए अपने हिम्मत को हारना नहीं है, और अपने बच्चों के लिए मुझे प्रयासरत रहना है। तो इसलिए मैं इस कंडीशन में भी मैं गोरखपुर रह रही हूँ, रेंटेड रूम लेकर के रहती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, मेरा नाम रंजना है, और मैं डोर टू डोर सेलिंग करती हूँ, कुर्ती मैक्सी और यही सब चीज़ें मैं बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं आऊँगा आपके काम पे आऊँगा रंजना जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, लोग जानना भी चाह रहे थे भी कि जब शादी हुई थी तो शादी के कितने बाद और ये हादसा क्यों हुआ था। शादी पहले अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं सर, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने अपनी मर्जी से रिश्ता ढूंढा था और आप ससुराल गई थी। ससुराल में जाने के बाद कितने दिन बाद ये हादसा होता है, हादसे पे भी आते हैं? ससुराल में जाने के बाद सर 2 साल तो ऐसे जैसे तैसे करके मतलब एक घुटन भरी ज़िंदगी 2 साल बीती। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड आए दिन धमकी देते घुटन थे। किसकी वजह से हो रही थी? घुटन हो रही थी मेरे हस्बैंड की वजह से, उनका मतलब अजीबोगरीब नेचर था। क्या वजह हो सकती है उसके उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि एक पति अपनी पत्नी से चंद सालों में ही, जिस दिन आपने बताया कि 2 साल के अंदर इस तरह की बातें लगी, तो क्या वजह थी कि वो आपसे नफरत करने लगे? स्टार्टिंग से ही उनका नेचर, वो मुझसे सिर्फ नफरत नहीं करते थे, वो अपने मम्मी पापा से, अपने बहनों से, गांव से, गढ़ी से, सबसे मतलब उनका ऐसा नहीं है। अगर हमसे सिर्फ होता तो हम कहीं ना कहीं ये स्वीकार करते कि चलो मेरे अंदर कमी होगी, कुछ कमी उनको नज़र आ रही होगी, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। लेकिन उनका रवैया सबके साथ ही, आप जाएंगे आपके साथ 2 दिन बहुत अच्छे से रहेंगे, 3रे दिन उनका ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो उनका नेचर, उनकी प्रवृत्ति ही वही है सर। कभी समझने का आपने प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ऐसा क्यों है वो? ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी का साया है, मतलब इन दकियान उसी सोच आज के ज़माने में कोई नहीं रख रहा है ये सब चीज़, भूत पिशाच प्रेत वाला। लेकिन हमको और लोगों को भी लगता है कि उनके माइंड पे जैसे लगता है कोई हावी हो जा रहा है कभी कभी, तो इस नेचर के हैं। तो पढ़ाई लिखाई उन्होंने की थी? हाँ, पढ़ाई लिखाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिप्लोमा है उनका। अच्छा। और प्लस ग्रेजुएट हैं। अभी जॉब कर रहे हैं वो? नहीं अभी जॉब नहीं करते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब जब किसी बात को लेकर के विवाद हुआ तो ये कैसे हुआ? वो खुद जा रहे थे सर जलने, चलने जा रहे थे। हाँ, ऐसे ही कुछ बातों को लेकर के डिस्कस हो रहा था दो उस दिन। किस किसकी वजह से डिप्रेशन में थे कि वो इस तरह से कदम उठाने जा रहे थे वो, किसकी वजह से? घर का कोई और फैमिली था या आप थी? जैसे मेरी सास माँ भी थी, तो सासू माँ से मेरे बोले वो कुछ करते नहीं थे, तो मम्मी पापा को अपने परेशान करते रहते थे, हमको परेशान करते रहते थे कि हमको पैसा चाहिए, हमको ये खाना है वो पीना है, मतलब अपने खर्चे के लिए अपनी मम्मी को परेशान करते थे। तो वो कहाँ बेचारी पाती, ससुर मेरे यहाँ रहते नहीं थे, सैदपुर रहते थे। तो बोले कि ऐसा है रंजना, रंजना बोलना सॉरी, ऐसा है मम्मी हमको पैसा दे दो, हमको रबड़ी खाना
खाना है, तो बोली कि हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम नहीं दे पाएंगे। फिर वो 2-3 दिन खाना बंद कर दिए। अब जब ये बताइए, घर में पति हैं, हम लोग का भारतीय महिला का यही काम है ना कि अगर पति खाना नहीं खाता है तो हम लोग भी खाना खाना बंद कर देती हैं। तो 2-3 दिन से बस यही कलह था घर में। उसके बाद वो बोले कि हमारा दिन रखाया था, हम गौना के बाद अपने मायके नहीं गए थे, अभी अभी ससुराल में ही हम तब जलने के पहले तक पड़े हुए थे, तो दिन रखाया हुआ था जाने के लिए। तो बोले कि ऐसा है, चलो ब्लाउज सिलवा लो अपना। हम कहे कि हमको ये लगा कि ये 2-3 दिन से खाना नहीं खाए हैं और हमको जाने के लिए बोल रहे हैं। हम कहे ऐसा है, हम नहीं जाएंगे, अपना आप ले लीजिए और जाइए, और उसके बाद फिर सिला जाएगा नाप से ही। तो बोले कि हम अब तुमको तीज और करवा चौथ व्रत नहीं रहना है। हम कहे क्यों? तो कह रहे हैं अब हम रहेंगे ही नहीं। हम कहे ऐसा क्यों? फिर गए, वो जो 10,000 का कपड़ा मेरे विदाई वाला खरीद के आया था, वो 10,000 के कपड़े पे मिट्टी का तेल गिराना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद वो बोले, मतलब अपने हाथ में लिए और बोले कि अब हम ही नहीं रहेंगे। हम कहे आप क्यों ऐसा करेंगे? हमको ये लगा कि अरे अभी ये ऐसा कर लिए, देखिए वो पल कहा गया है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कुछ उल्टा होने वाला होता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देता है। उस वक्त हम कुछ सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो खो देते हैं हम। और ये पता ही नहीं था ना कि इतना बड़ा हादसा मेरे साथ होगा। अगर हमको ये पता होता कि हमारे साथ ये होने वाला है, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से पलटने वाली है, तो हम उस वक्त वहाँ रहते ही नहीं। अरे आप जल रहे हैं, आप जो मन करें वो कीजिए, हम अपना जान छुड़ा के किसी तरह भागे होते, लेकिन हम ये जानते नहीं थे ना। फिर क्या हुआ सर, हम उनके हाथ से छीन लिए और उन्होंने खुद को आग लगा ली थी? नहीं, वो जा रहे थे ऐसा करने। अच्छा। तो हम छीन लिए और छीनने के बाद बस ऐसे ही हाथापाई में हो गया। अब इस बारे में ज़्यादा ना पूछे सर, हम एकदम से पूरा मतलब परेशानी हो जाते हैं उस बात को सोच के। बस जान लीजिए मेरे अंदर ताकत नहीं बची है। अब 18 साल हो गया और बहुत मेरा समय खराब है, कहना और सुनना आसान है। रंजना से ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सिर्फ एक बात जानना चाहूँगा कि इस तरह की कंडीशन करने में उनका हाथ था या नहीं? पूरा मतलब पहल तो वही किए थे ना सर, पहल तो वही किए थे स्टार्टिंग। अगर वो रास्ता नहीं दिखाए हुए होते तो ऐसा हुआ नहीं होता। आपने उनको बचाने के चक्कर में सारा उनका जो भी था अपने ऊपर ले लिया। हाँ, और ये कंडीशन आपकी हो गई? हो गया। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ से कितने दिन बाद मायके, ससुराल से मायके गई? ससुराल से हमको तुरंत वहाँ पे जब हम जल गए, जलने के बाद वो लोग लेकर के आए और यहीं आनंद लोक हॉस्पिटल है उसमें हमको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मेरे मम्मी पापा के पास फ़ोन किए, मम्मी पापा पहुँचते हैं, ससुराल वाले सब चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग मतलब मेरे मायके वाले सारा ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ देख रेख सारा मतलब पैसा टोटल जो भी आपको सही करने में उनको लगा। हाँ, ये आपके घर वाले किए, ससुराल वाले? आर्थिक मानसिक शारीरिक सब सपोर्ट मेरे मायके वाले किए। और आज उन्हीं लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। ससुराल वालों से कोई संपर्क किस समय है आपका? संपर्क रहता है सर, हम उनसे बातचीत होती है। बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? आपकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई और हम आपको ऐसे कैसे? हाँ ये है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के लिए हम वहाँ से आए हैं, लेकिन ऐसा थोड़े है कि आपको हम खुलेआम छोड़ देंगे। बच्चे आपके साथ रहते हैं? बच्चे मेरे साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बच्चों का हक है वो मिलेगा ना। क्या करती हैं आप? क्या करती हैं? हम सर यहाँ गोरखपुर में डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, साइकिल से जाते हैं और बस सेलिंग का काम करते हैं, कुर्ती मैक्सी वगैरह हम औरतों को जा करके देते हैं। हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट है आपको फिलहाल? कुछ सपोर्ट करते हैं या नहीं? अभी तक तो फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं था, आगे भगवान की मर्जी। हम मंदिर में खड़े हैं और उनकी कृपा होगी तो कौन नहीं चाहेगा कि उनका अब से जो हुआ वो हुआ, अब से अगर सही हो जाए तो बहुत बढ़िया है, हम यही प्रार्थना करते हैं। अभी फिलहाल आप डोर टू डोर जाती हैं, कपड़े बेचती हैं साइकिल से? और उसके बाद से अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, क्या नाम है उसका? सर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रंजना की दुनिया। तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ एक माँ को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके थोड़े से सपोर्ट से किसी की उजड़ी हुई ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, मेरे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग आइए, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत और अभिनंदन है। ससुराल में एक बड़ा हादसा जो किसी और के ऊपर होने वाला था, लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी धर्म निभाते हुए सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और कंडीशन आज ऐसी हो गई कि जो शरीर के पर्सनालिटी कभी चहचहाती थी आज थोड़ा सा वो तब्दील हो गई है। और यही वजह है कि अब ये घर पे नहीं रहती हैं, हो सकता है कि इसी वजह से इनके पति इनको इग्नोर कर दिए हों। फिर बातचीत तो होती रहती है, लेकिन अब ये खुद के पैरों पर खड़ा होकर के अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। इतने सब होने के बावजूद गली गली साइकिल चला करके निकलती हैं और कपड़े सेलिंग का काम करती है। उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम महिलाओं के लिए ये सोना के प्रेत हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती हैं तो ज़िंदगी से हार मान जाती हैं, कहीं कुछ बड़ा कदम गलत कदम उठा ले जाती हैं। उसी ज़माने में आज
रंजना ओझा इस तरह की कंडीशन में भी ज़िंदगी से लड़ रही हैं और बता रही हैं कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, खास करके वो महिलाएं जिन जो कभी एसिड अटैक की शिकार हुई होती हैं या फिर वो विकलांग होती हैं, सब कुछ हार जाती हैं कि अरे मैं तो कुछ करने लायक हूँ ही नहीं, और आप इस ज़माने में इस कंडीशन में भी आप गांव-गांव घूम करके सेलिंग करके अपने परिवार को जिला रही हैं। हिम्मत है कि मैं बहुत कुछ कर जाऊँगी अगर मैं चाहें तो, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो हार मान जाती हैं लड़कियाँ? मैं अपनी बहनों से यही कहूंगी कि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के देखिए घटने पे कोई एक रुपया देने वाला नहीं रहता है। हंसने वाले लाखों लोग खड़े रहेंगे, लाखों लोग तैयार रहेंगे, लेकिन जो आप पे बीत रही है वो आप समझते हैं, आप जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। इसलिए आप कहीं से भी शुरुआत कर सकती हैं गलत काम छोड़ करके, मेरी प्यारी बहनों। तो इसलिए आप लोग, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है मेरे ख्याल से, काम तो काम होता है। आप जीरो से ही 100 पे पहुंचेंगी, तो जीरो से शुरुआत कीजिए। और मैं अगर इस कंडीशन में प्रयासरत हूँ, काम कर पा रही हूँ, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी कोशिश कर सकती हैं और कहीं से भी शुरुआत कर सकती हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए, रंजना ओझा से हमने बातचीत की और बातचीत को लेकर के आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा, इनसे कुछ सीखिएगा कि ज़िंदगी में कभी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसकी कभी आवश्यकता है। हमारी और रंजना की बातचीत को लेकर के आप क्या कहेंगी कमेंट करके बताइएगा। इनका जो चैनल है रंजना की दुनिया, वहाँ पर विजिट करिएगा और उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि इन्हें आप ही लोगों का एक सहारा है। अगर आप लोग इनको प्यार देंगे तो इनकी और इनके बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि पति का क्या कंडीशन है इन्होंने बता ही दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।